हेलो एंड वेलकम गाइज, MPM के चले में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसलिंग वालों के लिए बहुत ही बड़ी यहाँ पर गुड अपडेट है। काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे, सर हमारे मध्य प्रदेश में जो NMTST है उसकी काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी, बिकॉज काफ़ी सारा टाइम हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो काउंसलिंग डिपार्टमेंट है मध्य प्रदेश का, उनसे बात की, ईमेल किया, तो उनका काफ़ी अच्छा यहाँ पर रेस्पॉन्स मिला। ठीक है, उन्होंने बोला कि आपकी जो ये काउंसलिंग है 10-12 डेज का टाइम ले सकती है, और जो PNST की काउंसलिंग है, ठीक है, उसके लिए बोला कि 1 वीक के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन चलिए हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि आपका काफ़ी सारा टाइम यहाँ पर लग चुका है। ये देखिए, पूरा आपको ऐसा मानो कि 1 साल आपका ख़त्म होने में, आपके फॉर्म जनवरी में भर गए थे 2021 में, और अभी चल रहा है दिसंबर। ठीक है, तो दिसंबर पूरा 12 महीने लग गए आपका गाइस। तो अब तो PAB को थोड़ा सचेत होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए स्टूडेंट लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है समय, टाइम। जितना कम टाइम में अगर आप सचेत हो जाते हो उतना ही सही है। बट ये PAB कर क्या रही है, अभी तक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं की, तो हमें भी थोड़ा सा बुरा लगता है। ठीक है, तो बार बार हमने इनको कॉल किया, काफ़ी कॉल किया, तब जाके कॉल का आंसर दिया, काफ़ी ईमेल किया, तब जाके इन्होंने आंसर दिया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम बहुत बुरी है गाइज आप लोगों के लिए, बट अब आप भी क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये गवर्नमेंट के हाथ में, हमारा फ़र्ज़ है कि इनको सचेत किया जाए, और आपका फ़र्ज़ है कि जितना हो सके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर प्रेस करो, क्योंकि हमारी जितनी फैमिली बढ़ेगी उतना ही हम ट्वीट करेंगे। क्यों, इन्होंने बोला कि आपकी NM की जो काउंसलिंग है वो 10-12 दिन का टाइम लेगी। ठीक है, तो अगर गाइज 10-12 दिन बाद भी आपकी NM की काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होती है, तो हमें एक्शन लेना होगा। जी हाँ, बिल्कुल एक्शन लेना ही होगा, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम हमारा जा चुका है, और ऐसे में हमारे पास अभी कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि हमने इसमें फॉर्म भर दिया, एग्ज़ाम दे दिया, तो एडमिशन तो यहीं पर लेना है ना। तो ये सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, अगर ये 8-10 दिन या फिर खींच के मान लो 10-12 दिन अगर नई काउंसलिंग करवाती है इसके बाद भी, तो हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना होगा हम सबको मिलके, क्योंकि हमें पैसा दिया है, टाइम दिया है, तो इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। ट्वीट करेंगे हम, गवर्नमेंट तक अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे, बट आपका संगठन यानी कि बोलते हैं ना एकता हो तब ये पॉसिबल है। तो 1 साल आपका हो चुका है, और यहाँ पर इन्होंने अभी तक काउंसलिंग जारी नहीं की। चलिए हम देख लेते हैं MP ऑनलाइन पर भी। सो इन्होंने अभी तक ओनली जो भेगा सहरिया ये जो कास्ट है इनकी काउंसलिंग के लिए इन्होंने रजिस्ट्रेशन मांगा था, बट अभी ओदर वालों के लिए कोई भी अपडेट इन्होंने नहीं दे रखा है, तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। बट गाइज आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, इतना इंतज़ार आपने कर लिया तो इतना सा ही और कर लीजिए। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आता है तो कुछ हम एक्शन लेंगे, बट आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपका सपोर्ट अगर आप देते हो तो कमेंट कर सकते हो गाइज, आपके काउंसलिंग बहुत ही जल्द हम शुरू करवाएंगे।